हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को सुर्खियों में रहना अच्छे से आता है। सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियोस के कारण वो हमेशा ही चर्चाओं में रहती हैं। 21 फरवरी को ही करीना ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। हालांकि सैफ करीना ने अभी तक अपने दूसरे बेटे के नाम की घोषणा नहीं की है और ना ही सोशल मीडिया पर अपने बेटे की कोई फोटो शेयर की है। एक फोटो साझा भी की तो उसमें तैमूर के छोटे भाई का चेहरा कुछ खास नजर नहीं आ रहा। करीना के दूसरे बच्चे को अब तक उनके परिवार के कई सदस्य देख चुके हैं और मिल चुके हैं, लेकिन करीना की सास शर्मिला टैगोर का अभी तक बच्चे से मिलना नहीं हुआ है। बाप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो दादी अपने पोते से नहीं मिली। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि शर्मिला टैगोर महामारी के बाद से पटौदी पैलेस में है और हाल ही में उन्होंने वैक्सीन लगवाया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान करीना ने अपनी सास को लेकर काफी बातें की। इस दौरान करीना ने बताया कि वो उन्हें बहुत मिस करती हैं। करीना ने कहा, जब इस तरह के एक आइकॉन और लेजेंड के बारे में बात होती है तो क्या कहना बाकी है। पूरी दुनिया जानती है मेरी सास, जिन्हें मैं अपनी सास कहलाने की खुशकिस्मत हूँ। धरती पर कदम रखने वाली सबसे खूबसूरत और शालीन महिलाओं में से एक है, लेकिन मैं उन्हें ज्यादा गहराई से जानकर खुशकिस्मत हूँ। वो वार्म, लविंग, केयरिंग है। वो अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने पोते और बहू के लिए भी ऐसी ही है। मैं महामारी के दौरान ज्यादा नहीं मिल सकी और मुझे उम्मीद है कि शर्मिला टैगोर जल्द ही अपने नवजात पोते से मिलेंगी। ये फैक्ट है कि ये पूरा साल चला गया है और हम वास्तव में उतना समय नहीं दे पाए जितना कि हम पहले दिया करते थे। वो हमारे परिवार के साथ जुड़ने वाले नए मेंबर को नहीं देख पाई हैं, लेकिन हम उनके आने और कुछ समय साथ बिताने का इंतजार कर रही हैं। तो देखा आपने, करीना कपूर खान ने खुलकर अपनी सास शर्मिला टैगोर की तारीफ की है। साथ ही ये भी बता दिया कि पटौदी पैलेस में होने की वजह से वो अभी तक अपने सबसे छोटे पोते को नहीं देख पाई हैं। बता दें, करीना ने सैफ अली खान के साथ 2012 में शादी की थी। दोनों ने एक दूसरे को कई साल तक डेट किया और उसके बाद शादी करने का फैसला किया था। तशन फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़े थे। भले ही फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई थी। करीना के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार वो अक्षय कुमार के साथ गुड न्यूज में नजर आई थी। इस साल आमिर खान के साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा में वो नजर आई थी।